हमारे साथ कोई ज्यादा नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादा थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्वीर काफी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तस्वीर करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें, इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी तो नहीं। औरतों की बेहुरमती करना, आलिया हमजा मलिक 25 दिन से इन्होंने मुझे उठाया हुआ है, 25 दिन हो गया, आज मेरा 25वां दिन है, आज मुझे ये लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं, ये होता है, ये इनको जाकर बताएं उन लोगों को। हम करप्शन पे नहीं आए, हम किसी चीज के ऊपर नहीं आए, हमें खान के साथ खड़ा होने की, पीटीआई के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। कितनी सजा देनी है आप लोगों ने, आईन की बालादस्ती की जंग लड़ने की कितनी सजा देनी है, कानून की और आजादी की जंग लड़ने की। अभी तक हमारे यहाँ 13 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है 25 दिन के बाद, और ये इस फासिस्ट हुकूमत की वजह से हो रहा है। ये जो फासिस्ट हुकूमत, वो मौलाना साहब को तितलियां लगते हैं वैसे, किस तितलियां में अब आपने जेलें को डाल दिया। मौलाना साहब आपके तो थाईलैंड चले गए, सारे भाग जाएंगे, सारे मर्दों से औरतें भाग चुकी थी, औरतें 22-22 तक 24-24 दिन जेलें काटाई है, ये 2-2 दिन में इस्तीफा दे के भाग गए हैं, तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत घबराइए।